गाइस गुड मॉर्निंग, ऐसे करके ना ये हमारे अंकित भाई अचवाई से तेल डालेंगे, जा रहे थे दूसरा के पास। चलो तेल डाल दो इसमें। कितना डालोगे? 150 का डाल दो। ठाकुर भाई मुस्कुराते हुए, हाँ डेढ़ सौ भैया देख लेना, पूरा डाल देना वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। देख लेना, रुकने लग गया, ये देखो पूरा करना, देख लेना। अंकित भाई आते हुए, इसकी गाड़ी का तेल खत्म हो चुका है गाइस, देख सकते हैं आप। बेचारा बहुत दूर से गाड़ी खींचते हुए लाया है। अंकित हाय कर दो। ये आ गया हमारा अंकित, और आ गया हो, और तुम भी आप ब्लॉग में आ गए हो हमारे। किसी दिन यार क्या, चलो यार कुल्हड़ वाली चाय पीने चलो, इसका मिलती है। क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। हो गया क्या, कहाँ जाना है? कुल्हड़ वाली चाय पीने। कब चलें बताओ? चलेंगे कल परसों, जो भी। चलो ठीक है। और हमारे जोशीदा कहाँ है? जोशीदा जोशीदा आ गए हमारे पूजा पाठ करके। हेलो जोशीदा, हाय करो। हाय जरीड भाई। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जरीड भाई आ गए हमारे, कैरी यूनाइटी के बहुत ही खास मित्र हैं ये। अब जोशीदा हमारे गाड़ी चलाते हुए, ट्रिपलिंग करते हुए, गाड़ी का नंबर हमने अपने हाथों से लिख रखा है। माँ चुदा कोई चला नला नहीं, अरे सबको भेज देता हूँ अपने यहाँ पे यार, वीडियो का लिंक देखो बैंक। ये हमारा पावर हाउस जिसके सबके यहाँ बिजली सप्लाई होती है, और ये हमारा मंदिर, यहाँ हमारी चटिया लगती है। ये नया फास्ट फूड, यहाँ 5 रुपए में तुम्हें वेज राइस बटर राइस मिलता है। इधर रॉक जिम हमारे सोनू दा की है, सामने हमारा राजश्री होटल जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, दिशा पाटनी आई थी, दिशा पाटनी सब आ चुके हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा होटल है, अंदर स्विमिंग पूल ही पूल है, रशियन मिलती है यहाँ पर। ये हम मार्केट पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये सामने से आर्मी वाला ट्रक आया जिसने हमारा रास्ते में बाजी डाल लगा दी है। हमारा मंदिर आते हुए, ये हमारा मंदिर है, इसमें इस टाइम अभी बढ़िया सी वो चल रही है सेल। ये हमारी बिरयानी की दुकान, ये हमारा भाई मुस्कुराते हुए, अपना का होटल है ये, सपना पराया माल अपना। ये पहुंच चुके हैं हम राजा राम चौराया, यहाँ राजा जी का सिंहासन हुआ करता था, यहाँ चौराहे पे बैठा करते थे वो सवाल लेके। अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल जो हमने आजकल लीज पे ले रखा हमारे जरीड भाई ने, जो कि कैरी मिनाटी के बहुत ही खास मित्र है। ये हमारा हुआ गुरुद्वारा, हुआ ये हमारा यहाँ पर, ये हमारा हम पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान, और ये सामने हमारा पार्क, नेहरू पार्क। बहुत ही अच्छी अच्छी चित्रकलाएं हो रखी हैं यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं निगम बालों के मोहल्ले में, अब यहाँ से हम निकलेंगे मस्जिद की तरफ जहाँ हमारा निगम भाई नमाज पढ़ रहा हुआ होगा। ये आ गई निगम भाई की मस्जिद। ब्रेक लेके अभी यहाँ से ड्रान से उतार दिए गुरु जी ने हमारे गाड़ी, फोर व्हीलर हमारी, अरे इसकी माँ का धन्नो, अंडर वाटर चले गए भाई, धन्नो है। सामने आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ है। अभी पहुंच चुके हैं हम, यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हावड़ा ब्रिज है कनकपुर का। सामने देख सकते हैं आप चाइना बॉर्डर है, नदी पार करते हो सब चाइना लग जाता है। आगे हमारे एसएसबी के जवान, वो देख सकते हैं आप, वो टंकी बनी है जो वहाँ पर एसएसबी के जवान है हमारे, जो कि बॉर्डर है ये। यहाँ एक टाइम पर बहुत ही तगड़ी आंधी तूफान आया था जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर बीज था जो बह गया था, जिसके कागज मेरे नाम पर थे।
चुके हैं, टनकपुर के हावड़ा ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं मेरी पब्लिक, मैं इसमें झुक करके दिखाता हूँ, ये हावड़ा ब्रिज है जो चाइना बॉर्डर को इंडिया से जोड़ता है। यहाँ पे आर्मी तैनात है, यहाँ आर्मी बहुत ज़्यादा आर्मी तैनात है, जहाँ कांड पे गोली मिनटों हमारी जाती गुरु। बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ को आगे मन को शांति, तन को चित्रावट मिल जाती है। ये हम पहुंच चुके हैं नेपाल बॉर्डर पर, ये देख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान से जोड़ता है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से जोड़ता है। यहीं से सीमा हैदर भारत आई थी चार बच्चों के साथ अपने लप्पू से सचिन के पास, ठीक है। ये इस नदी में उसने नहाया था, यहाँ से अपने बच्चों के लिए खिलौने लिए थे और यहाँ से वो प्रसाद लेके उसने अपना हिंदू धर्म अपनाया था पुन्नागिरी जाके। यहाँ के ये देखो आप जादू, यहाँ पन्नियाँ उड़ती रहती हैं ऐसे। ये देखो ये सीमा हैदर का जादू है, भारत माता की जय। ये अब हम पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ SSB के जवान तैनात हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का झंडा NHPC, बहुत पुराना पुल है, यहाँ मेरे पिताजी ने इस पुल पे काम किया हुआ है, अपने खून पसीने से ये बना रखा है उन्होंने, कई कुर्बानियां दी हैं इस पुल को बनाने के लिए। देख सकते हैं आप बहुत ही तगड़ा व्यू है, डैम बना रखा है, यहाँ फांसी दी जाती थी, यहाँ पर पाकिस्तानियों को फांसी दी जाती थी ये डैम पर। आप आवाज सुन सकते हैं इसकी, बहुत ही प्यारा व्यू, ओह दैट्स वेरी नाइस व्यू, ये देखो हम यहाँ से पाकिस्तानियों से बच के चुपचाप नेपाल बॉर्डर आ चुके हैं, नहीं सॉरी पाकिस्तान बॉर्डर आ चुके हैं। अब व्यू देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सेल मगरमच्छ पाले जाते हैं, यहाँ बाबू को ला सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी अपनी बाबू को ला के बैठ सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू। बाबू आ भी रखी है, कुछ बाबू आ भी रखी हैं, कितनी नहीं कितनी सुंदर सुंदर बालिकाएं हैं जो यहाँ पर YouTube शूट करा रही हैं। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू है यहाँ पर, इनका प्रमोशन मैं ही करूँगा। ये देखो बहुत ही यात्री यहाँ आ रखे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं सिद्धत बाबा के, जो से भी बाबा हैं उनके दर्शन। ये बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए आते हैं, बालिकाएं आ रही हैं, देख सकते हैं आप। देखो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ ब्रह्मदेव, ये हम आ गए हैं ब्रह्मदेव, ने अपनी बाइक पार्क कर दी है, यहाँ पे सबकी बाइकें पार्क होती हैं, कि गुरुजी ने हमारी बाइक पार्क कर दी है हमारी। हम लोग पहुंच चुके हैं नेपाल, लो हम नेपाल पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ काफ़ी सारी यहाँ दुकानें लग चुकी हैं, हम नेपाल में एंटर हो चुके हैं। यहाँ देखिए ठंडा नींबू पानी मिल रहा है, ये छोटी सी बच्ची सामान बेच रही है। हम नेपाल पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं, जरूर आएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ काफी अच्छा हुआ है। नेपाल के लोग ही काफी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, फिर खाना है, बहुत ही प्यार से बुलाते हैं काटने के लिए, भपकी लेने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं यहाँ की लड़कियाँ, और हमारे हिंदुस्तान के लड़के जो थोड़ा सा पिघल जाते हैं। अब यहाँ पर एक चौमिन मिलती है जिसका नाम होता है लाली, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बालिकाएँ हैं जो देख सकते। ये हम पहुँच चुके हैं नेपाल ब्रह्मदेव मंदिर,
काफ़ी सारी यहाँ दुकानें लगी हैं, स्लीपर्स वगैरह हैं, चैने हैं। ये हमारे रोशी जी और ये हमारे जरिड भाई। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये रामदेव। ये पुरानी प्राचीन कलाओं को दर्शाता है ये मंदिर। देख सकते हैं आपके अद्भुत कलाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पर चप्पल चोरी हो जाती है। यहाँ पर मंदिर है गाइस, बहुत ही प्यारे मंदिर है। नेपाल का ये है मंदिर गाइस, देख सकते हैं आप। बाकी बहुत ही प्यारा मंदिर है और काफी ऊंचाई तक बना हुआ है ये मंदिर। पहुंच चुके हैं बहुत ही, ये 100 टन का यहाँ पर ये घंटी बांध रखी है। यहाँ पर जो भी श्रद्धा अनुसार अब दान पात्र में पैसे डाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइस पैसे डाले जाते हैं पर ये तो ज़्यादा आए हैं इसलिए डालेंगे नहीं। गाइस सब में देख सकते हैं हम गाइस। यहाँ पर हमें अपने बाबा दिख गए। जय बाबा की, जय बाबा की, जय शंभू नाथ, जय बाबा की। क्या हाल चाल है बोले बाबा, ठीक ठाक? चलो फिर आगे मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया शुद्ध मंदिर है यहाँ। जरिड भाई बहुत ही गंभीर रूप से अपनी प्रार्थना करते हुए भोले बाबा से। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ मंदिर में आके बताइए हमें, कैसा व्यू है? बहुत बढ़िया। कैसा लगा आप लोगों को दर्शन करके यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा है, जरूर आइएगा। पहले पूर्णागिरी जाइए फिर यहाँ पे आइए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये नेपाल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, काफी हायरे भूसा वाले पेड़ है यहाँ पर, बुर्ज खलीफा से ऊंचे ऊंचे। आप यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भी विजिट किया है। ये देखो योगी आदित्यनाथ जी हैं ये, पर इन्हें उस टाइम पे कोई नहीं जानता था, ये बहुत पहले आ चुके हैं। ये कुआं है प्राचीन कुआं है ये, पढ़ सकते हैं आप। ये काफ़ी गहरा है, यहाँ पर हवन वगैरह हुआ करते हैं। किसी को भी अपनी पूजा वगैरह करवानी है तो यहाँ पर हवन होते हैं। ये हम नेपाल में पहुँच, अब मंदिर से दर्शन करके अब हम बाहर को जा रहे हैं। यहाँ से दर्शन वगैरह कर लिए, अब हम यहाँ से वापस घर को जाते हुए। काफ़ी सारे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं चाव चाव खाने के लिए। यहाँ पर दीदी ने हमें बुला लिया। दीदी हाय करिए, हाय करिए दीदी, सब देख रहे हैं। ये हम यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। यहाँ दारू वगैरह, बियर वगैरह सब यहाँ खुले आम मिलती है दुकानों में। बताइए कैसा लगा? कैमरा की क्वालिटी गुरु कुछ है।
भाई यहाँ पर स्पाइसेस कटिंग करते हुए। वाओ दैट्स वेरी नाइस। नहीं नहीं बस यहाँ पे सैलेड हो गई, प्याज हरी मिर्च टमाटर कटिंग हो गई है, मैगी लाली बननी स्टार्ट हो चुकी है। लाली भाई ने ऑयल डाल दिया इसमें। ये हमारी नेपाल की चाऊ चाऊ आ गई है, बहुत ही प्यारी बना रखी है, देखने में तो बहुत ही लजीज लग रही है, काफी टेस्टी हो रही है। देख सकते हैं हम नेपाल की बियर गाइस बारा सिंह, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ। गाइस ये कोई पेट प्रमोशन वाली वीडियोस नहीं है। दीदी हेलो दीदी, हमको पीनी नहीं है, आपने हमें दिखाई डेमो के लिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई चलो आते हैं फिर। चलो ठीक है दीदी, बाय बाय, आते हैं, बाय। चलो चलते हैं गाइस, तुमने उठा लिया अपना फोन, आ सकते हैं आप। न्यू फास्ट फूड होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी वॉचेस बिक रही है, एप्पल की वॉचेस हैं, देख सकते हैं आप यहाँ एप्पल की ये स्मार्ट वॉचेस हैं। दीदी दीदी कितने की वॉच है? हाँ एक सौ अस्सी की वॉच है ये वाटर प्रूफ। तो गाइस आपने देख लिया नेपाल कैसा है, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।